हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। आज का सेशन जो है हमारा इंग्लिश का होगा, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके अपकमिंग रीट एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वीडियो है, ये जो आज का सेशन है, ये पूरी तरह से टारगेट करता है लैंग्वेज टू को। जिन्होंने भी इंग्लिश को लिया है लैंग्वेज टू, उनको टारगेट करेगा ये पूरी तरह तरीके से। तो अगर आप लैंग्वेज टू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो, ठीक है। तो वीडियो पूरी जरूर देखना। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि 20 क्वेश्चन को एक के बाद एक डिस्कस करेंगे, और 20 क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, जो भी एक्स्ट्रा चीजें होंगी, उनको भी हम डिस्कस करते जाएंगे। अगर आप मेरी वीडियो उसको बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हर क्वेश्चन के साथ हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए भी चलते हैं, चीजों को समझते हुए चलते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर सेशन को बिल्कुल मिस नहीं करना है। और अगर सेशन आपको अच्छा लगेगा तो इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, जिन्हें भी जरूरत है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और फटाफट से देखेंगे 20 क्वेश्चंस को, और बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल टेंशन लेके कुछ भी नहीं करना है। और आई नो कि अभी बहुत कम जो है एग्जाम में टाइम बचा हुआ है, तो मैं ट्राई करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो जो है अपने चैनल पर ला सकूं, ठीक है। तो उसकी आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बातें नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। टू गिव रेमेडियल मेजर्स डैश इज इंपॉर्टेंट। पहला प्रश्न देखो क्या है, ध्यान से आपको समझना है कि टू गिव रेमेडियल मेजर्स, जब आप किसी को रेमेडी प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या इंपॉर्टेंट होता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और फटाफट से देखेंगे कि क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है उस पर हम डायरेक्ट चलेंगे। जब भी हम रेमेडियल की बात करते हैं, जब भी हम रेमेडी या मेजर्स की बात करते हैं, या कुछ ऐसे तरीके जो आप अपनाते हो किसी भी लर्निंग गैप को कम करने के लिए, तो यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडरस्टैंडिंग द पीपल्स डिफिकल्टी इन लर्निंग। यानी कि रेमेडियल मेजर जो होता है, यानी कि जो रेमेडियल एक तरह से आपका टीचिंग है, वो किस पे डिपेंड करता है, या रेमेडियल टीचिंग में क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो वो इंपॉर्टेंट होती है पीपल्स की डिफिकल्टी। पीपल्स का मतलब है कि छात्र की क्या डिफिकल्टी है, लर्निंग में गैप्स क्या क्या है, लर्निंग की कठिनाई को जो है अंडरस्टैंड करना रेमेडियल टीचिंग के लिए जरूरी होता है। अगर आपने लर्निंग के गैप्स को नहीं पहचाना, अगर आपने उनकी डिफिकल्टी को ही नहीं पहचाना, तो आप रेमेडी भी नहीं कर पाएंगे। तो रेमेडियल टीचिंग का बेस होता है टू अंडरस्टैंड द पीपल्स डिफिकल्टी इन लर्निंग। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सीधी सी बात है कि जो हम डायग्नोस करते हैं, जो हम अंडरस्टैंड करते हैं कठिनाइयों को, उसी के बेसिस पे हम आगे चल के रेमेडी प्रोवाइड करते हैं लर्निंग में, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लानिंग ऑफ रेमेडियल प्रोग्राम्स विल, अब देखो क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी हमारा रेमेडियल टीचिंग से है कि प्लानिंग ऑफ रेमेडियल प्रोग्राम्स विल बी सिमिलर इन ऑल द सब्जेक्ट्स, स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, बी सेम टू ऑल द स्टूडेंट्स, या नन ऑफ द अबव। कह रहा है कि जब भी आप रेमेडी प्रोवाइड करते हो एक क्लासरूम में या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है, तो वहां पर क्या होना चाहिए, क्या वो सिमिलर होना चाहिए हर सब्जेक्ट में, क्या वो डिफरेंट होना चाहिए सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, या सेम होना चाहिए सभी के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्या होना चाहिए, जब भी आप रेमेडियल टीचिंग में रेमेडी प्रोवाइड करते हो, जो भी आप यहाँ पे बच्चों की कठिनाइयों को क्या करते हो, दूर करते हो, तो वो हर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड करता है। डिपेंड करता है कि आपने मैथ में उनको क्या रेमेडी दी, डिपेंड करता है कि आप उनको इंग्लिश में क्या रेमेडी दे रहे हो। सकता है आप इंग्लिश में उनकी प्रोनंसिएशन सुधार रहे हैं, मैथ्स में आप उनकी कैलकुलेशन सुधार रहे हैं। तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जो है डिफरेंट होता है रेमेडियल प्रोवाइड करना। और हाँ, एक बात और याद रखना कि रेमेडियल प्रोग्राम जब हम प्रोवाइड करते हैं तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ों का यूज करते हैं। देर आर सो मैनी टेक्निक्स, ओके। तो कौन कौन सी टेक्निक्स है जिसे हम फॉलो करते हैं। पहला है IEP, ठीक है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, जहाँ पे हम व्यक्तिगत बच्चों को ध्यान देते हैं। उसके बाद एक्शन रिसर्च का प्रयोग हम कर सकते हैं, हम TLMs का यूज़ कर सकते हैं, हम वेरियस मैथड्स का यूज़ कर सकते हैं अच्छे, हम उसके अलावा रीलिया का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, मेजर्स हैं जो हम रेमेडियल टीचिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है रेमेडियल टीचिंग पे, इवैल्यूएशन पे, तो ज़रूर देखिएगा अगर नहीं देखी है। सबकी प्लेलिस्ट आपको एक ही जगह पे प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी रेमेडियल टीचिंग से है। रेमेडिएशन शुड बी, अब देखो क्या कह रहा है कि जो रेमेडिएशन होता है, यानी कि जो हम उपचार करते हैं, वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन है सेम टू ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, कलेक्टिवली गिवन, इंडिविजुअल स्पेसिफिक, या नन ऑफ दी अबव।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो रेमिडेशन होता है, जो हम बच्चों को उपचार देते हैं लर्निंग में, वो किस पे आधारित होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर पे हम चलते हैं डायरेक्टली। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंडिविजुअल स्पेसिफिक होना चाहिए, कलेक्टिवली या ग्रुप लगा के मत आइएगा। रेमिडिएशन शुड बी, देखो कहने का मतलब है कि अगर आपने किसी बच्चे की गैप को पता किया, गैप को पता करके अगर आप उसको दूर कर रहे हो, तो आप इंडिविजुअल उसको दूर करते हो। एक बच्चे की, मान लो ये बच्चा, इसकी समस्या क्या आ रही है, आप इसको ग्रुप में नहीं कर सकते हो, आप इसको ग्रुप एक्टिविटी दे के नहीं कर सकते। सबसे बेस्ट होता है आप इसको इंडिविजुअल ध्यान देंगे, जिसे IEP कहा जाता है, अभी जैसे मैंने डिस्कस किया, ठीक है। तो इंडिविजुअल स्पेसिफिक होना चाहिए रेमिडिएशन, हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग आप उनको रेमेडी प्रोवाइड करते हैं। अगला है रेमिडिएशन शुड हैव, अब फिर से रेमिडिएशन से एक और क्वेश्चन है, रेमिडिएशन शुड हैव एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय द स्टूडेंट्स, यानी कि रेमिडिएशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए बच्चों का, कंसर्न बाय द टीचर, टीचर का कंसर्न होना चाहिए, इंटरमेंट मोडिफिकेशन या कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर रेमिडिएशन जो होता है, जो हम उपचार करते हैं, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें हमारा हमेशा कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्यों होगा, क्योंकि देखो जब हम फॉर्मेटिव की बात करते हैं, ठीक है, जब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करते हैं, तो आपको पता है कि जब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, जो पूरे साल होता है, जो एक प्रोसेस होता है, पूरे साल हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते रहते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, रेमिडी करते हैं, उसमें हम डायग्नोस करते हैं, यानी कि रेमिडिएशन जो है एक कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होता है। आप पूरे साल बच्चों का इवैल्यूएशन करते हो, आप पूरे साल उनकी कठिनाइयों को दूर करते हो, आप पूरे साल उनकी डिफिकल्टीज को दूर करते हो। अब आप खुद सोच के देखिए कि अगर आप एक क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो पूरे साल आपका फोकस यही रहता है कि अगर एक बच्चे के मार्क्स पहले सेमेस्टर में कम आ गए, तो अगली बार उसके ज्यादा आए, या वो पहले से सुधार करे, यानी कि कॉन्टिन्यूस असेसमेंट करना हमारा पर्पज होता है रेमिडिएशन के थ्रू। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पोएम मेड अप ऑफ टू राइमिंग और टू लाइन्स स्टैंजास आर कॉल्ड। क्या कह रहा है कि अ पोएम मेड अप ऑफ टू राइमिंग, ऐसी पोएम जो टू राइमिंग या टू लाइन स्टैंजास से में होती है, बनी होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कोपलेट कहते हैं, सोनेट कहते हैं, एलिजी कहते हैं, या ऑक्टेव कहते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऐसी पोयम जहां पर जो राइमिंग है वो टू लाइन की है, कितनी लाइन बोल रहा है, टू लाइन स्टैंजा, यानी कि ऐसा स्टैंजा जिसमें दो ही लाइनें हो, जैसे कि मान लो ये दो लाइनें हैं, तो ये एक स्टैंजा हो गया, ठीक है, है ना। जैसे कि ये है, यहाँ पे लास्ट वाला वर्ड देखो ध्यान से, नूल पूल सेम है, तो ए कर दो, तो ये क्या है, ए और ए क्या है, ये कुपलेट हो गया, ठीक है, ए आपका क्या है, सेम है। तो मैंने ये जो एग्जांपल है गाइज, ये आपको समझाने के लिए लिया है, ठीक है। कुपलेट क्या होता है, जिसकी दो लाइन स्टैंजा होती है, ठीक है। अब बेसिकली कुपलेट किस में होता है, शेक्सपियरन सोनेट में होता है, जहाँ पे हमने देखा था कि वन कुपलेट होता है शेक्सपियरन सोनेट में, और थ्री स्टैंजाज होते हैं, और वन कुपलेट में कितनी लाइनें होती है, दो लाइन होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। सोनेट की लाइन्स पूछेगा तो 14 लाइन की पोयम होती है, आयम्बिक पेंटामीटर में सोनेट होता है, ठीक है। सोनेट का बेसिकली एक थीम अगर माना जाए, तो आपका सोनेट का थीम जो होता है वो लव वाला जो थीम है, लव जो है वो ज़्यादा होता है। ऑक्टेव क्या होता है, ऑक्टेव और सेस्टेट आपने सुना होगा, ऑक्टेव एंड सेस्टेट जो है, ये दोनों ही आपके इटालियन सोनेट का पार्ट है, ठीक है। क्या है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट जो दोनों ही इटालियन सोनेट का पार्ट है। सेस्टेट में लाइनें पूछी जाती हैं, तो 6 लाइनें होती हैं, ऑक्टेव में 8 लाइनें होती हैं। और एलिजी क्या होता है, एक लैमेंट पोयम होती है, एलिजी एक ऐसी शोक कविता होती है जो किसी की मृत्यु वगैरह पे लिखी जाती है या पढ़ी जाती है। ओके, तो चारों चीजें मैंने समझाने की कोशिश की है, अगर आपको डिटेल में इन चीजों को जानना है तो आप वीडियो देख लेना, मैंने इसकी भी वीडियो बनाई है, चैनल पे एक ही प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा, ठीक है, देख लेना आप इस वीडियो के बाद अगर आपको देखनी हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको राइमिंग स्कीम बतानी है। राइमिंग स्कीम क्या होती है गाइस, जो किसी भी पोयम की लास्ट वाली लाइन की जो तुकबंदी है या जो सेम साउंड है उसको देखना होता है, ठीक है। तो हम डेली इस तरह का क्वेश्चन करते हैं, तो देख लो लास्ट वाले वर्ड हाईलाइट कर लो, ठीक है। अब इसमें आपको राइमिंग स्कीम देखनी है, तो देखो पहला वर्ड नूल है, जैसे मैंने अभी बताया ए होगा,
नूल पूल सेम आ रहा है तो इसको भी ए कर देंगे। जहां पे भी आपको सेम लग रहा है वहां पे आप लेटर्स को सेम लिख दोगे, ठीक है। अब अगला वर्ड आ रहा है जॉयज, तो नूल पूल जॉयज अलग है तो बी कर दो, और जॉयज के बाद अगला वर्ड है नॉइज, जॉयस नॉइज, जॉयस नॉइज, तो बी कर दो। तो क्या बना यहाँ पे ए ए बी बी, तो ए ए बी बी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा। तो इसी तरह से आपसे चार लाइन की राइमिंग स्कीम पेपर में पूछी जाती है, और कई बार दो से तीन क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं, और इन चीज़ों से क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको बस प्रिपेयर रहना है मेंटली, ठीक है, ताकि आप इनको ईजिली पेपर में कर सके, और ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डैश हैज थ्री क्वाड्रेंट्स एंड वन कॉपलेट इन अ पोएम। अब आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डैश हैज थ्री क्वाड्रेंट्स, किसमें जो है थ्री क्वाड्रेंट्स होते हैं और वन कोपलेट होता है, शेक्सपियरियन सोनेट में होता है, इटालियन में होता है, एलिजी में होता है, या पेट्रार्कन सोनेट में होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए होगा, शेक्सपियरियन सोनेट, या अगर आपसे यहां से इंग्लिश पूछा जाए, इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट पूछेगा, तो आपका आंसर सेम दोनों ही होगा। शेक्सपियरियन सोनेट को हम इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं, और पेट्रार्कन सोनेट को हम इटालियन सोनेट भी कहते हैं, दोनों सेम है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी दो दो चार चार कुछ बातें हैं, वो आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। थ्री क्वाड्रेंट्स का मतलब होता है, अगर मैं यहाँ पे इसकी राइम स्कीम बताऊं, ठीक है, अगर मैं इसकी राइम बताऊं क्या होती है, तो शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम होती है ए बी ए बी, फिर सी डी सी डी, फिर ई एफ और फिर जी और जी, ठीक है। अब देखो ए बी ये वन क्वाड्रेंट है, ठीक है, सी डी सी डी ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ई एफ थर्ड क्वाड्रेंट है, यानी कि वन टू थ्री, थ्री क्वाड्रेंट्स हो गए, और ये जो पीछे बचा ये क्या होता है हमारा, वन हमारा क्या होता है, कुपलेट होता है, ठीक है, कुपलेट मतलब दोहा, दोहा, और ये जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, चौपाई कहते हैं, क्या कहते हैं, चौपाई, ठीक है, हिंदी में। अब देखो वन टू थ्री फोर ए बी वन टू थ्री फोर, कितनी लाइनें हैं ए बी में, चार लाइनें, यानी कि जो शेक्सपियरियन सोनेट होता है उसमें तीन हमारे क्वाड्रेंट्स या तीन हमारे स्टैंजा होते हैं, अगर आपसे स्टैंजा पूछेगा तो भी सेम है, स्टैंजास थ्री होते हैं, और हर स्टैंजा में कितनी लाइनें हैं, आप यहाँ पे चार लाइनें हैं, ठीक है, जैसे कि ए बी कितनी लाइनें होगी, चार लाइनें। तो ये याद रखना है कि जो कुपलेट होता है उसमें दो लाइनें होती हैं, और जो स्टैंजा होते हैं उसमें चार लाइनें होती है, और ये किसका मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है शेक्सपियरियन सोनेट का, ओके। चलिए अगला देखते हैं। अब देखो कुछ कुछ बातें और है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट में आपके दो तरह से राइम होती है, पहला होता है आपका ऑक्टेव और दूसरा होता है आपका सेस्टेट। ऑक्टेव एंड सेस्टेट मैंने बताया, ऑक्टेव में आठ लाइनें, सेस्टेट में छह लाइनें होती है, बस ये लाइंस वाइंस याद रखनी है, राइम स्कीम याद रखनी है, लाइन याद रखनी है, नेम याद रखने है, यही सब बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट ड्रामा एंड शॉर्ट स्टोरी। अब आपको यहाँ नॉट ट्रू बताना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा कि ड्रामा और शॉर्ट स्टोरी के बारे में कौन सी बात यहाँ पे आपको गलत लग रही है, ध्यान से ऑप्शंस को पढ़िएगा। फर्स्ट है Both are pieces of literature. क्या ये दोनों literature के पीस है, literature यानी साहित्य के भाग है दोनों, तो ये दोनों बिल्कुल है साहित्य के भाग, literature में हम इनको पढ़ते हैं। They both tells a story. दोनों ही एक किसी कहानी को बताते हैं, बिल्कुल ठीक है ये भी। They both written with few characters and time duration. या फिर only drama is a piece of writing that performed on the stage. तो यहाँ पे ये भी ठीक है कि जो ड्रामा होता है उसको हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ सी ऑप्शन में कि दे बोथ रिटन विद फ्यू कैरेक्टर्स, फ्यू टाइम ड्यूरेशन और फ्यू कैरेक्टर्स दोनों में होता है, ये गलत है, दे बोथ नहीं होगा आपका, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, शॉर्ट स्टोरी की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। दोनों में हमारा जो कैरेक्टर है या जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम नहीं होता है, शॉर्ट स्टोरी की कैरेक्टरिस्टिक ये है सी वाली, दोनों की नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को छोड़ के बाकी सारी जो बातें हैं वो सही है ड्रामा और शॉर्ट स्टोरी के बारे में, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वर्ड हैज दिस साउंड इन इट। अब ये चार क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं 8, 9, 10, 11, ये आपके क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, साउंड से और फोनेटिक्स से, ठीक है। तो मैंने इनको ऐड इसलिए किया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, पहले भी बन चुके हैं, तो देखते हैं आप कितने क्वेश्चन यहाँ पे कर पाते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो आपको ये जो सिंबल दिख रहा है,
ये आपको जो जो सिंबल दिख रहा है इसको बताना है कि ये किस वर्ड में आएगा, ये जो साउंड आएगा इस सिंबल का वो कौन से वर्ड में आएगा। दिस में आएगा, थिंक, शूट या मून, किस में आएगा ये साउंड। अगर आपको इस सिंबल का मतलब पता है तो आप कर लोगे, इजिली कर लोगे। तो मैंने इसकी भी वीडियो बोर्ड पे पूरी बनाई है डिटेल में, देख लेना अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हो। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है सो मैं कहूंगी, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये सिंबल जो है ये द का है, पहली बात, ठीक है। अब द वाला साउंड किस में आ रहा है, दिस, थिंग, शूट, मून, दिस में आ रहा है, दिस, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है ये आई, ये वाला जो आई साउंड है ये किस में आता है, टिप, टी, टाइप या ईट, टिप, टी, टाइप या ईट। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, टिप में, यानी कि जहां पे छोटी ई की मात्रा है, कहां पे छोटी ई की मात्रा की बात हो रही है। तो जब हम छोटी ई की मात्रा वाले वर्ड देखते हैं तो वहां पे बड़ा ई लगता है, और अगर बड़ी की मात्रा होगा तो हमारा कौन सा आई लगेगा, ये वाला आई लगेगा। ऐसे बिंदु वाला जो आई होगा ना, इस तरह से अगर आपके पेपर में आई आएगा तो ये आपका बड़ी ई होती है, और अगर इस तरह से आएगा एक आई इस तरह से तो ये आपका छोटी ई होता है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे ईट वाला जो है, ईट में कौन सा साउंड आएगा, ये छोटा वाला आएगा, ईट, क्योंकि इसमें लंबा हमारा क्या प्रोनंसिएशन जो है वो थोड़ा लॉन्ग है, बड़ी की मात्रा आ रही है, ठीक है। टी, टी में भी हमारी बड़ी की मात्रा आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे टिप, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखते हैं, अब ये जो एक है ये टी और ये ऐसे करके एक स्लैश तरीके की लाइन है, ये कौन सा साउंड होता है। तो इसका पहले मैं बता दूं कि ये साउंड जो है ये हम च के लिए यूज करते हैं, किसके लिए, च के लिए। तो आप देख लो कौन से वर्ड में च का साउंड आ रहा है, थिन, शिन, चिन, पिन। तो आपको पता चल गया होगा अभी तक, चिन, चिन, चिन में, यानी सी एच, च का साउंड आ रहा है, चिन, ठीक है, चिन में च का साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अब ये एक स्लैश वाली लाइन है, इस तरह से जो लाइन आ रही है ये कौन से साउंड है, तो इसका मतलब होता है हमारा श, ठीक है, क्या होता है, श, श से शलगम, ठीक है। तो क्या होगा, फीट, ट्रीट, शीट या कीप। तो फीट, ट्रीट, शीट, शीट, श का साउंड आ रहा है यहाँ पे पहले वाले वर्ड में, दोनों में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है गाइस। सो आपको ये सिंबल्स पता होने चाहिए, आप इजिली कर लोगे पढ़ करके, थोड़ा सा साउंड को पहचान करके, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और मैं डेली ऐसे ही क्वेश्चन ऐड करूंगी ताकि आपको जो है एक प्रैक्टिस आपकी हो सके अच्छे से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन इज, अब आपको बताना है कि समेटिव इवैल्यूएशन का मेन पर्पज क्या होता है। टू प्रमोट नेक्स्ट हायर क्लास, क्लास में प्रमोट करना, रैंक देना बच्चों को, प्रोवाइड ग्रेड, ग्रेड देना, या ये सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। हमारा सारा का सारा जो है यहाँ पे समेटिव इवैल्यूएशन, यानी कि जो हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है ऐसे, उसका हमारा पर्पस होता है कि उनको हायर क्लास में आप ले जाएंगे, रैंक देंगे, ग्रेड देंगे, आप बेसिकली उनकी वैल्यू बता देते हो, जज कर देना, जजमेंट करना, या बच्चे की अचीवमेंट को बताना, सब कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ टेस्ट आइटम्स आर हाईली स्ट्रक्चर्ड, अब आपसे पूछा गया कि किस तरीके का एक टेस्ट होता है जो बिल्कुल हाईली स्ट्रक्चर्ड टेस्ट के अंदर आते हैं। ओरल टेस्ट होगा, ऐसे टाइप होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, या इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हाईली स्ट्रक्चर्ड का मतलब है कि जिनको बहुत ही ज्यादा रिलायबिलिटी, बहुत ज्यादा वैलिडिटी, और बहुत ज्यादा जिसको कंटेंट कवरेज के साथ बनाया जाता है, तो जो बहुत ज्यादा रिलायबल हो, ऑब्जेक्टिव हो, तो वो होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ठीक है। यानी कि हाईली स्ट्रक्चर्ड टेस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे, जहां पे एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस आपके होते हैं, जहां पर आपको क्या करना होता है, ए बी सी डी में से एक ही आंसर जिसका होता है, और यहाँ पे बच्चे को एक मतलब कि एक तरह से इस तरीके के जो टेस्ट होते हैं उसमें वैलिडिटी बहुत ज्यादा होती है, रिलायबिलिटी बहुत अधिक होती है। तो हाईली स्ट्रक्चर्ड टेस्ट जो है वो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अ टीचर डिजाइन्स अ टेस्ट टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ द पुअर ग्रेड्स ऑफ हर लर्नर्स थ्रू ए एन। अब आपको बताना है कि एक टीचर जो है एक टेस्ट को डिजाइन कर रही है टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ द पुअर ग्रेड्स, बच्चों के पुअर ग्रेड, यानी कि जो उनके ग्रेड है वो कम आए हैं या पुअर है, बहुत अच्छे नहीं है, उस चीज के लिए एक टीचर टेस्ट को डिजाइन कर रही है, तो वो कौन सा टेस्ट होगा हमारा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्या कह रहे हैं कि भाई कॉजेस, आप कारण को जान रहे हैं, कारणों का आप क्या कर रहे हैं, पता लगाने के लिए, कारणों का पता लगाने के लिए आप क्या कर रहे हैं,
आप एक टेस्ट डिजाइन कर रहे हैं, तो ये आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, जहां पे हम बच्चे की समस्या को पहचानने के लिए इस तरीके का टेस्ट करते हैं और उसके बाद हम उनकी रेमेडी करते हैं, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फोकस इज ऑन यूजिंग द लैंग्वेज। अब आपसे क्या पूछा गया है कि द फोकस इज ऑन यूजिंग द लैंग्वेज रादर देन एनालिसिस ऑफ द लैंग्वेज एंड ग्रामर इज टॉट इम्प्लिसिटली रादर देन एक्सप्लिसिटली। तो कौन सी अप्रोच या किस मेथड की बात यहाँ हो रही है, डायरेक्ट अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच, GTM मेथड या स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो क्या कहा गया, ध्यान से समझो, क्वेश्चन का जो कीवर्ड है उसको आपको पकड़ना है। कीवर्ड ये है कि बच्चे यूज कर रहे हैं भाषा को, ग्रामर को इम्प्लिसिट तरीके से सीखा जा रहा है, बहुत ज्यादा नेचुरल तरीके से आप ग्रामर को सिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे आप रूल और फॉर्म फोकस की बात नहीं कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा कम्युनिकेटिव अप्रोच होगा। कम्युनिकेटिव अप्रोच वो अप्रोच है जहाँ पे आप यूज कर रहे हैं लैंग्वेज का, मीनिंग जहाँ पे बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग को माना जाता है। टीचर क्या होता है यहाँ पे, फैसिलिटेटर होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम बच्चे के जो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग है, इसमें हम उसको बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट बनाते हैं। और ये किसने दिया ये भी याद रख रो, मतलब इसको भी आप याद रखें कि डेल हाइमस, ठीक है, डेल हाइमस ने इस मेथड को दिया था, CLT को, ठीक है, CLT अप्रोच को। और आपके सिलेबस में ये अप्रोच जो है मेंशन किया गया है, सिर्फ यही अप्रोच जो है जहां से क्वेश्चन आपके 3 से 4 आएंगे, ठीक है। तो याद रख रहे हैं ये सारी चीजें, सारी बातें। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारा, कम्युनिकेटिव अप्रोच होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द क्वेश्चन, हाउ विल आई अचीव माई टीचिंग गोल। अब ध्यान से इस पहली वाली लाइन को पढ़ो, क्या कह रहा है कि एक ऐसा प्रश्न है, प्रश्न ये है कि हाउ विल आई अचीव माई टीचिंग गोल इन द डिजाइन ऑफ अ लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन विच हेल्प्स द टीचर टू कीप द लेसन ऑन टारगेट इज द। अब देखो क्या कह रहा है, पूरी की पूरी बात ये कहा गया कि एक ऐसा प्रश्न, आप अपने आप से अगर प्रश्न ये कर रहे हैं कि हाउ विल आई अचीव माई टीचिंग गोल, मैं अपने टीचिंग के गोल को या मैं मेरा जो शिक्षण के लक्ष्य है मैं उसको कैसे प्राप्त करूंगा या करूंगी, तो ये किस चीज की बात कर रहा है, ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहा है, ये मैथडोलॉजी की बात कर रहा है, इवैल्यूएशन की बात कर रहा है या डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा है। तो जब आप ये सोचते हैं कि आप अपने गोल को कैसे अचीव करेंगे, आप क्या करेंगे, तो वो आपके क्या होते हैं, वो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो आपका मेथड नहीं है। अब आप चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छे नंबर के साथ क्वालिफाई करें, आप सिलेक्शन लें, तो ये आपका मेथड नहीं है, ये आपका इवैल्यूएशन नहीं है, ये आपके क्या है, उद्देश्य है। आपका उद्देश्य आपको बताता है कि आप टारगेट पे है या नहीं है, आप अपनी तैयारी कितनी कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि अगर एक टीचर ये देखता है कि हाउ विल आई अचीव माई टीचिंग गोल, तो वो आपके कहीं ना कहीं उद्देश्यों से रिलेटेड है, ठीक है। उद्देश्य जो हमारे होते हैं हमारे गोल तक पहुंचने में हमें सहायता करते हैं, लक्ष्य जो है वो बड़े होते हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए टीचर ऑब्जेक्टिव्स का सहारा लेता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है कि मान्या इज फ्लुएंट इन 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस, हर लैंग्वेज एबिलिटी मेक्स हर अ। अब एक लड़की है मान्या, वो 6 भाषाएं बोल लेती है अलग अलग, ठीक है। तो उसके जो लैंग्वेज एबिलिटी है वो उसे क्या बनाती है, बाइलिंगुअल स्पीकर बनाती है, पॉलीग्लॉट बनाती है, मोनोलिंगुअल स्पीकर बनाती है या लिंग्विस्ट बनाती है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर आपने मेरे पहले के सेशन देखे हैं तो आपको पता चल गया होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, पॉलीग्लॉट है, ठीक है। यहाँ पे ये लड़की कौन, क्या मानी जाएगी, पॉलीग्लॉट मानी जाएगी। पॉलीग्लॉट कौन होता है, जो मल्टीलिंगुअल होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि मल्टी लिंगुअल कोई पर्सन है, मल्टीलिंगुअल कौन होता है, जो अनेक भाषाएं बोले, जो मतलब कि 2 से अधिक भाषाएं बोलना या जो यूज करे, उसे हम मल्टीलिंगुअल पर्सन कहते हैं, तो उसी को हम पॉलीग्लॉट भी कहते हैं, ठीक है। बाइलिंगुअल कौन होता है, बाइलिंगुअल स्पीकर वो स्पीकर है जो 2 भाषाएं बोल सके, मोनोलिंगुअल वो होता है जो 1 भाषा बोल सके, और लिंग्विस्ट कौन होता है, जैसे कि आपके नॉम चॉम्स्की, ठीक है, वो कौन है, वो लिंग्विस्ट है, भाषाविद है, जो भाषा के बारे में थ्योरी और सिद्धांत जिन्होंने दिया वो सभी लिंग्विस्ट में आएंगे, ठीक है। तो लिंग्विस्ट का मतलब सीधी सी बात है कि भाषाविद, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 आता है कि टॉमस वॉज स्पीकिंग इन स्पैनिश टू हिज पीयर्स इन हर क्लासरूम, व्हेन हिज टीचर कॉल्ड ऑन हिम ही इमीडिएटली रिप्लाइड टू हर इन इंग्लिश, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखो ये पूरी की पूरी बात क्या कही गई है कि एक लड़का है टॉमस, वो अपनी मतलब की बात कर रहा था अपने साथियों से स्पैनिश में अपनी कक्षा में, लेकिन जब उसके टीचर ने उसे बुलाया तो उसने इमीडिएटली
क्या किया, रिप्लाई इंग्लिश में किया। बात वो स्पेनिश में कर रहा था लेकिन टीचर ने जब उसे बुलाया तो उसने इंग्लिश यूज किया। तो ये क्या, किस चीज का एग्जांपल ये माना जाएगा? कोड स्विचिंग है, सोशियो लिंग्विस्टिक्स है, कोड मिक्सिंग है या डायलेक्ट्स है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने मेरे पहले के सेशंस देखे होंगे तो आपको जरूर ये वर्ड कहीं ना कहीं मेरे सेशन में आपने देखा होगा। मैंने इसकी पहले भी इसके बारे में बात किया है जब मैंने एक जो है मल्टीलिंगुअल का सेशन लिया था। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, कोड स्विचिंग होगा। ठीक है, क्या होता है कोड स्विचिंग, जब एक मल्टीलिंगुअल, ठीक है, मल्टी लिंगुअल क्लासरूम में एक टीचर जो है इस अप्रोच का या इस टेक्निक का यूज़ करता है। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, ठीक है, जब वो किसी से बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, लैंग्वेज को अल्टरनेट करते हैं। अल्टरनेट लैंग्वेज को करने का मतलब है कि जैसे कि स्पैनिश मैं बात कर रहा था लेकिन टीचर ने बुलाया तो इंग्लिश में बोलने लग गया। यानी कि जहाँ पे बच्चे बातचीत के दौरान भाषाओं का उपयोग करते हैं एक दूसरे के साथ या एक टीचर के साथ या कहीं भी, वो उसे हम कोड स्विचिंग कहते हैं। और ये मल्टीलिंग्विज्म का एक बहुत अच्छा क्या है, टेक्निक है मल्टीलिंग्विज्म को बढ़ावा देने का। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अच्छा, बाकी की बातें भी हैं। डायलेक्ट्स क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। बोलियां, डायलेक्ट्स का मतलब बोलियां होती है, ठीक है, हिंदी में बोलियां कहते हैं जैसे अलग अलग राज्यों की बोलियां हैं, है ना। और कोड मिक्सिंग कुछ भी नहीं है। सोशियो लिंग्विस्टिक क्या होता है, सोशियो लिंग्विस्टिक के मेन कौन है, वाइगोत्स्की है, ठीक है, जो कहते हैं कि समाज में भाषा को हम सीखेंगे, सोशियो लिंग्विस्टिक का पार्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डैश आर ऑल्सो कॉल्ड प्योर वॉवल्स। अब किसे हम प्योर वॉवल्स कहते हैं, डिपथोंग्स को कहते हैं, मोनोफथोंग्स को कहते हैं, दोनों को कहते हैं या ग्लाइड वॉवल्स को कहते हैं? प्योर वॉवल्स आपसे पूछा गया है, तो प्योर वॉवल्स का करेक्ट आंसर बनेगा हमारा मोनोफथोंग्स। ठीक है, मोनोफथोंग्स के बारे में और बातें याद रखना। इसे हम क्या क्या कहते हैं भाई, सिंगल वॉवल्स भी कहते हैं। सिंगल वॉवल साउंड अगर आपसे पूछेगा मोनोफथोंग्स है। मोनोफथोंग्स का टोटल नंबर पूछता है, कितनी होते हैं, 12 होते हैं मोनोफथोंग्स। ठीक है, मोनोफथोंग्स को हम प्योर वॉवल्स भी कहते हैं, जैसे कि अभी हमने इस क्वेश्चन में देखा प्योर वॉवल्स आपसे पूछा गया था। ठीक है, डिपथोंग्स अगर पूछेगा, डिपथोंग्स की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, और डिपथोंग्स को हम क्या कहते हैं, ग्लाइडिंग वॉवल्स भी कहते हैं। डिपथोंग्स को क्या कहते हैं हम, ग्लाइड वॉवल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए और डी जो है वो सेम है, याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। ग्लाइड वॉवल्स क्या होते हैं, डिपथोंग होते हैं। अच्छा, और डिपथोंग के बारे में अगर मैं बातें बताऊं, डिपथोंग क्या होते हैं, जिसमें दो वॉवल्स है, जैसे कि ए ई है ना, जो दो वॉवल्स बनके एक साउंड जो प्रोड्यूस करे उसको हम डिपथोंग कहते हैं। ठीक है, डिपथोंग को हम इम्प्योर भी कहते हैं। अगर मोनोफथोंग को हम प्योर कहते हैं तो डिपथोंग को क्या कहेंगे, इम्प्योर वॉवल्स कहेंगे या डबल वॉवल साउंड कहते हैं। किसको, डिपथोंग को। डिपथोंग की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, मोनोफथोंग की 12 होती है, और टोटल वॉवल्स कितने बनते हैं, 20 बनते हैं। ये सारी बातें जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर बी, प्योर वॉवल्स क्या होते हैं, मोनोफथोंग्स होते हैं। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, द स्टडी ऑफ आर्टिकुलेशन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड इज कॉल्ड। कौन सी स्टडी है जहाँ पे आर्टिकुलेशन ट्रांसमिशन और रिसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड को पढ़ा जाता है? यानी कि जब आप बोल रहे हैं तो आपके बोलने में आर्टिकुलेशन क्या है, कहाँ से आप कोई भी वर्ड को, किसी भी साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस चीज की स्टडी जब हम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो ये चारों ऑप्शन को मैं समझाऊंगी अच्छे से। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, पहले आंसर देखते हैं, फोनेटिक्स होगा। ठीक है, फोनेटिक्स क्या है, जहाँ पे आप ये देखते हो कि एक आप साउंड में बेसिकली यूनिट जो हमारी साउंड की यूनिट है उसे हम कैसे बोल रहे हैं, कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, लिंग्विस्टिक क्या होता है, आपका साइंटिफिक स्टडी। आपके अगर लिंग्विस्टिक पूछेगा तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। ठीक है, आप पूरी मानव जो भाषा है, भाषा का अध्ययन लिंग्विस्टिक्स होता है। लिंग्विस्टिक के अंदर ये सारे आते हैं, ये सारे के सारे लिंग्विस्टिक के पार्ट हैं। ठीक है, मोर्फोलॉजी क्या होता है, जो वर्ड के फॉर्मेशन की बात करें, वर्ड के फॉर्मेशन की बात करें, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड क्या होता है, मोर्फीम होता है। ठीक है, और मोर्फोलॉजी की स्टडी, जो वर्ड्स है उसकी स्टडी को मोर्फोलॉजी कहते हैं, जहां पे ये हम देखते हैं कि कोई वर्ड कैसे बना है, उस वर्ड में कितने यूनिट है या कैसे वो वर्ड बना है। ठीक है, सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स का मतलब होता है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर या जब हम रूल्स की बात करते हैं
वो हमारा सिंटेक्स होता है, जैसे कि एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे बना है, इसके पीछे क्या स्टडी है, क्या रूल है। जब हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं कि एक सेंटेंस कैसे बना है, उसके पीछे क्या रूल्स लगे हैं, क्या क्या हमने उसमें ग्रामर लगाई है, वो सब हमारा सिंटेक्स में आता है। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको ये चारों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश की है समझाने की। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है, तो आप बिल्कुल पूछिएगा। और आपको सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, मार्क्स ज़रूर बताइएगा कि 20 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, कितने आप स्कोर कर पाए। और मैंने ट्राई किया है कि नए नए क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ, ठीक है। तो अगर इस तरह की वीडियो आपको डेली चाहिए तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर से, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ओके, कल मिलेंगे अब। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।